अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एनएस का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ इमरान बडाना। इस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे दो प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है ज़िला बड़गाम से है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हाल ही में जम्मू में जो है टाइकांडो जो चैम्पियनशिप एक गेम वो खेल कर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है दोनों ने। तो मैं इनसे जाने की, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयतरूफ है, मैं कान्या अम्मा में रहती हूँ, मैं पावर पंच अकेडमी काउसा की स्टूडेंट हूँ। मैंने जम्मू में गोल्ड मेडल निकाला, मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैंने जम्मू में गोल्ड मेडल निकाला और आगे मैं यूटी लेवल चैंपियनशिप हिस्सा लूंगी। अच्छा, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलती है, किस इंस्टीट्यूट में? काउसा। अच्छा, क्या नाम है आपके जो कोच है उसका क्या नाम है? अबरार सर। अच्छा, अबरार सर आपको सिखाते हैं ये चीज? तो कितने मेडल जीते आपने? ये मेरा 8वां है। अच्छा, 8 गोल्ड मेडल जीते आपने। तो हमारे साथ इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताएं आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम शाह। तो अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शाह है, मैं कौसा में रहता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई, मैंने आज पहली बार गोल्ड निकाला। फिर मैं जाऊंगा यूटी लेवल में जाऊंगा खेलने। फिर मैं हर प्रैक्टिस करूंगा जो हमारे कोच वार हमें हर प्रैक्टिस कराते हैं। फिर मैं आगे आगे जल्दी जाऊंगा इंटरनेशनल खेलने, ओलंपिक जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं वहां से गोल्ड निकाल के आऊंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अबरार अकबर भट्ट है, मैं यारीगुंड काउसा में रहता हूँ। और जो अभी यहाँ पे हम दो बच्चे लेके आए हैं जिस सब ने उनको बुलाया है। अच्छा, हाल ही में 26 यूटी लेवल टाइकोंडो चैंपियनशिप जो जम्मू में मुनाकद हुई थी, उनमें से हमारे जो टोटल बच्चे थे 16 बच्चे थे, 16 में से हमारे 12 बच्चों ने मेडल लाया था। बट ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के दो वाहिद बच्चे हैं जिन्होंने गोल्ड लाया है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नेशनल्स के लिए। तो कितने बच्चे फिलहाल आपकी जो वहाँ पे कितने बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं इस उम्र के? अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूँगा, एटलीस्ट वहाँ पे भी 50 स्टूडेंट्स है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्हें मैं खुद प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये कॉमन सेंस की बात है कि बोलते भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है, जितने बच्चे प्रैक्टिस हार्ड करते हैं उतना वो अच्छा दिखाते हैं फिर चैंपियनशिप में। और अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के दौर में हम देखते हैं कैसे हालात है हमारे बहनों के साथ, कैसा बर्ताव किया जा रहा है। तो हमारा ये इनिशिएटिव रहता है कि और भी गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करें और एकेडमी में ज्वाइन करें और अपना बचाव खुद रखें। तो कोई अगर कोई बच्चा या किसी कोई वालदीन अपने बच्चे को चाहता है कि मैं आपके एकेडमी को ज्वाइन करवाएं, तो वो कैसे आपके साथ रब्ता कर सकता है? अभी हमारी जो फेसबुक भी पेज चल रहा है पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ अपना और फेसबुक पे मेरा नंबर लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे एकेडमी ज्वाइन करें और इसमें ओनली फिजिकली भी इंसान फिट रहता है, मेंटली भी इंसान फिट रह सकता है। और इंशाल्लाह आगे जाके अगर हम टाइकोंडो की बात करेंगे, टाइकोंडो एक ओलंपिक गेम है, नेशनल में अगर बच्चा मेडल लेके आएगा तो अगर फॉर एग्जांपल हम नीट की बात करेंगे, आज हमारे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं तो उनको भी 20 पॉइंट्स मिलते हैं अगर नेशनल की सर्टिफिकेट में मेडल होगा।